हे गाइस, वेलकम बैक टू चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक क्रीम का होनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो क्रीम है गुड वाइफ सैफरन नरिशिंग डे क्रीम, ये देखिए। और इसका ही रिव्यू आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप भी क्रीम खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार मेरी वीडियो जरूर वॉच कर लेना। आई होप आपको काफी हद तक हेल्प करने वाली है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं पैकेजिंग की। तो देखिए, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये क्रीम मिलती है। जो ये इसका कंटेनर है, ये कांच का है, और जो इसके ऊपर की एक कैप है, या आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर की कैप है। तो पैकेजिंग के मामले में तो ये काफी बेस्ट है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जब आपका कंटेनर खाली हो जाएगा, आपकी क्रीम इसमें से खत्म हो जाएगी, तो आप अपना कुछ भी DIY इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो गुड वाइब्स की सैफरन नरिशिंग डे क्रीम है, इसको मैंने पर्पल से मंगाया था। अगर आपने अभी तक मेरे पर्पल हॉल नहीं देखे हैं तो आई बटन पर है, आप एक बार जरूर वॉच करना, आपको वो भी पसंद आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी नेट वेट की। तो देखिए, नेट वेट इसका 50 ग्राम है। और जो ये गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, इनमें ना तो इन्होंने पैराबिन का यूज किया है और ना ही मिनरल ऑयल का यूज किया है। ये सल्फेट फ्री होते हैं, काफी हद तक ये आपकी स्किन के लिए फ्रेंडली होते हैं। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है प्यूरिफाइड वाटर, ग्लिसरीन, इन्होंने इसमें सैफरन ऑयल, जैसे कि इसका नेम भी है सैफरन नरिशिंग क्रीम, तो सैफरन ऑयल का इसमें यूज हुआ है। और इसमें कलर भी इन्होंने ऐड कर रखे है। और भी इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है काफी लंबी है, पीछे की तरफ दे रखी है। और जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो 3 ईयर्स है, वो भी पीछे की तरफ मेंशन है। और जो 50 ग्राम इसका नेट वेट है, इसका जो प्राइस है वो है 225, जी हाँ, 225 रूपये में आपको मिलेगी। तो आप इसको पर्पल से मंगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने अपने खुद के पैसों से मंगाई है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है इस क्रीम के साथ, मैंने इसको यूज किया है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ भी बड़ा चढ़ाकर पेश करना है, जैसा मुझे इसका रिजल्ट लगा है वही आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए, पैकेजिंग की तो हमने इसकी बात कर ली है, इसमें पीछे इन्होंने कि इसको कैसे यूज करना है और ये हमारी स्किन के लिए किस तरीके से वर्क करता है, ये सब चीजें मेंशन कर रखी है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे कि एक और ढक्कन से ये इस तरीके से कवर कर रखी है, तो इसको भी हटा लेते हैं। अब देखते हैं क्रीम, तो देखिए व्हाइट कलर की आपकी क्रीम है। वैसे इसका नाम सैफरन है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कलर जैसे सैफरन का होता है, थोड़ा येलो केसर का, ऐसा नहीं है, व्हाइट कलर में है। और ये आपको थोड़ी सी ही लगानी होती है, ज्यादा नहीं लगानी होती। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है तब आप इसको गर्मी में बिल्कुल भी यूज मत करना। मेरी स्किन ऑयली है और मैं गर्मियों में अगर इसको लगा भी लेती हूँ तो मेरी स्किन काफी हद तक और भी ऑयली दिखने लगती है। मॉनसून में और गर्मियों में आपको बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करना है, आप विंटर में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑयली स्किन वाले, आप इसको गर्मियों में कम से कम 6 से 8 महीने तक आपको इसको स्किप करना है, तब आपको यूज नहीं करना है। तो देखिए, व्हाइट कलर की ये क्रीम है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ और मैं हाथ पर लगाकर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, वैसे तो अच्छी तरीके से लग जाती है, लेकिन थोड़ा सा ऑयली स्किन वालों की स्किन के साथ नहीं जाती है, ये थोड़ा ऑयली सा उनका चेहरा लगने लगता है। तो मैंने ये इसलिए मंगाई थी क्योंकि इसमें सैफरन यानी कि केसर है, तो मैंने सोचा कि गर्मियों में मेरी स्किन को काफी हद तक लाइट भी करेगी, और जैसा होता है ना कि फेयरनेस, थोड़ा चिपचिपा सा गर्मियों में हमारा फेस हो जाता है, उससे भी बचाएगी, फेयरनेस भी देगी। लेकिन ये अपने दावों पर इतनी अच्छी तरीके से खरी नहीं उतरती है। वैसे ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छी है, ड्राई स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए ये इतनी अच्छी तरीके से गर्मियों में वर्क नहीं करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होगा, जो मेरे साथ है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम में SPF भी नहीं है, तो इसको लगाने के बाद अगर आप इसको गर्मी में यूज कर रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई है, तो इसके ऊपर आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। सनस्क्रीन आपको अवॉइड नहीं करना है क्योंकि ओली स्किन वाले तो गर्मी में इसको ना ही यूज करेगा, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो अदर स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाए। और फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन दावा करती है कि आपकी स्किन को डैमेज होने से भी बचाती है, आपकी डैमेज हुई स्किन को भी रिपेयर करती है, तो इस चीज पर तो हाँ, ये खरा उतरती है। लेकिन गुड वाइब्स की अदर क्रीम भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाली क्रीम ऑयली स्किन वालों को सूट नहीं करती है, तो दूसरी भी नहीं करेगी। आप बहुत सारी गुड वाइब्स की अदर क्रीम आती है, उनको चेक कर सकते हैं, आप पर्पल पर जाकर उनको देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा आज का होनेस्ट रिव्यू जो मैंने ये गुड वाइब्स एप्रन क्रीम के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।